रायबरेली में मां की विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं और नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं, लेकिन रायबरेली की जनता के मन में क्या है? राहुल गांधी के रायबरेली से उतरने के बाद कितना बदला है वहां का समीकरण? देखिए रायबरेली की जनता के साथ न्यूज 18 का खास शो चुनावी चौपाल। रायबरेली का बच्चा बच्चा बोल रहा है राहुल गांधी, सोशल वर्कर राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी के साथ समूचा गांधी परिवार रायबरेली की धरती पर नजर आया। राहुल गांधी की मां आज रायबरेली की धरती पर रही, सोनिया गांधी की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही, राहुल की बहन प्रियंका गांधी की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही, रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी रायबरेली की धरती पर रही। रायबरेली की जनता राहुल गांधी के नामांकन को लेकर क्या सोचती है, क्या राय रखती है, हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि रायबरेली की जनता क्या कहती है। आप ये बताइए, राहुल गांधी जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहती है रायबरेली की जनता, रायबरेली का मिजाज, दिल क्या कहता है? रायबरेली के लिए आज बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है और एक जो परंपरा है गांधी परिवार की और रायबरेली के लोगों से जो परिवार का रिश्ता है, वो विरासत को, अपनी माँ की विरासत को आगे लेकर के राहुल गांधी जी जाएंगे और ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि एटीएम इंडिया गठबंधन के हमारे जो प्रत्याशी हैं राहुल गांधी जी, वो देश के जो मुद्दे हैं, जो आज महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक असमानता है, आरक्षण की बात है, ये सब लेकर के जो संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ की जो जनता रायबरेली की बड़ी होशियार है और यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने जा रही है, क्योंकि 10 साल मनमोहन सिंह के विकास के और 10 साल 2014 से 24 ये मोदी जी के विनाश के काल हैं ये, क्योंकि यहाँ बातें तो बहुत हुई लेकिन विकास नहीं मिला। और रायबरेली के अगर परिपेक्ष में देखें तो जितना सोनिया जी ने 2004 से 14 तक जो सार्वजनिक उपक्रम यहाँ लगाए, यहाँ से 10 साल में उपेक्षा का शिकार हुई है रायबरेली और उसका भी बदला लेने के लिए जो है रायबरेली पूरी तरह से तैयार है। आप क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने आज नामांकन कर दिया है, आप लोगों के मन की मुराद एक तरह से पूरी हो गई, कई जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि भाई गांधी परिवार से कोई मेंबर यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए और राहुल गांधी ने आज सुबह ही इसकी घोषणा की और कांग्रेस की तरफ से इसकी घोषणा हुई, तो अब मन की मुराद पूरी हो गई है, राहुल गांधी का नामांकन हो गया है। रायबरेली वासियों को पूर्ण विश्वास था कि यहाँ से गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। 72 सालों का जो लगाव फिरोज गांधी से शुरू हुआ है वो कम नहीं हुआ है। 4 जून को रिजल्ट बताएंगे कि राहुल गांधी का क्या मायने है यहाँ पर। ठीक, गांधी परिवार बड़ा मजबूत रहा है, हमेशा रहेगा और कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, आपने कई चुनाव देखे होंगे, आप क्या सोचते हैं रायबरेली के विकास को लेकर, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर आपके दिल दिमाग में क्या छवि है, रायबरेली कैसी होनी चाहिए? रायबरेली बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, विकास जो भी हुआ है वो कांग्रेस के ही पीरियड में हुआ, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 10 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं आप, 10 साल से कोई काम नहीं की, जो काम रहा वो बंद करा दी, हमें ही आए थे मिंट फैक्ट्री है वो बंद करा दिन, मोटर ट्रेनिंग सेंटर नहीं चालू कराए, 300 पेटेंट्स के गिरवा दिन, अरे बरेली सत्यानाश कर दिन, हमारा राहुल आए हो उम्मीद आई है, फिर खिली रायबरेली में विकास हो, प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस जीते, विकास हो, हमारे आदरणीय राहुल गांधी। हम लोग राहुल गांधी जी का जो न्याय पत्र है उसको लेकर के यहाँ के सारे युवा उत्साहित हैं, यहाँ की महिलाओं को देखिए वो नारी न्याय को लेकर उत्साहित हैं और उनका जो श्रमिक न्याय है उस न्याय के तहत यहाँ का सारा श्रमिक बंधु हिस्सेदारी न्याय जो ये 5 न्याय है इनको लेकर यहाँ के युवा काफी उत्साहित हैं और इस बार यकीनन रायबरेली का जो तूफान है वो हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा और हमारे राहुल गांधी यहाँ से जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आप कह रहे हैं कि इस बार इतिहास रचा जाएगा, इस बार हिस्टोरिकल विन होगी राहुल गांधी की? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से जो है पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी पूरा भारी रिकॉर्ड में से जीतेंगे और कांग्रेस ने जो रायबरेली में जो विकास किया था 70 सालों में इस 10 साल में विनाश हो गया, बिल्कुल यहाँ की जनता रो रही, त्रस्त हो रही, रोडें सड़कें ऐसी पड़ी कि लोगों के एक्सीडेंट हादसे हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है और हम लोगों को उम्मीद है राहुल जी आए हैं, हम सब लोगों का सपना पूरा होगा।
सपना पूरा होगा। आप क्या सोचते हैं अपने क्षेत्र के बारे में, रायबरेली के विकास के बारे में, और जिस तरह से राहुल गांधी का नामांकन आज यहाँ से हो गया है और गांधी परिवार का लगाव हमेशा से रहा है, और सोनिया गांधी जी ने एक बड़ा भावुक पत्र भी लिखा था बीते दिनों जब वो राज्यसभा के लिए जा रही थी, तो यकीनन रायबरेली की जनता का जुड़ाव गांधी परिवार से और गांधी परिवार का जुड़ाव रायबरेली की जनता से बराबर है? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ लीजिए इंदिरा जी के पीरियड से आज तक जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने कोई विकास कार्य नहीं। और लड़ाई तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर है, और यहाँ की जनता बहुत उत्साह से है। राहुल गांधी बहुत बहुत प्रचंड बहुमत से विजय हासिल करेंगे और इनकी वजह से उत्तर प्रदेश में भी काफी असर पड़ेगा। पूरा गांधी परिवार रायबरेली की धरती पर है, सोनिया जी की मौजूदगी है, प्रियंका जी की मौजूदगी है, रॉबर्ट वाड्रा की मौजूदगी है और राहुल गांधी तो है ही। यहाँ पे देखिए, चारों तरफ देखिए आप, जिधर यहाँ पे जो जितना कांग्रेस ने किया ना, इन्होंने बंद करवाने का काम किया, जितनी मिलें थी सब बंद करवा दी। बताइए यहाँ पे क्या क्या विकास किया आज तक 2014 से। रोड देख लीजिए आप, जाके रोड देखिए, अभी इतने देर कह रहे हैं गड्ढा मुक्त सड़के, गड्ढा मुक्त और साले भ्रष्टाचार फैला दिए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। और यहाँ चोर आते हैं, चोर जाते हैं उस पार्टी में, धुल के गंगा नहा लेते हैं, विकास होने नहीं दे। रायबरेली की धरती के इतिहास रहा है कि यहाँ से प्रधानमंत्री भारत को दिया गया है, अगला 2024 के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप खुद ही यहाँ की पब्लिक को देख के समझ सकते हैं कि लोगों के ब्लड में बसे हुए हैं राहुल गांधी जी, इनका परिवार, क्योंकि इन्होंने रायबरेली के साथ बहुत कुछ किया है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। क्या कहेंगे आप? आप बता रहे थे कि आप सेना में जाने का ख्वाब देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अग्निवीर, इन्होंने लाके चार साल अपना 15 साल राज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो युवा जो है निकल के अग्निवीर में देश की रक्षा करना चाहता, देश की सेवा करना चाहता, उसको सिर्फ 4 साल दे रहे हैं। 4 साल में आप बताइए वो क्या करेगा। और यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, ऊपर से यहाँ से अब की बात राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हमारा जितना भी युवा है, किसान है, सब राहुल गांधी के साथ है, बीजेपी से त्रस्त हो गए। आप जो यहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, गरीबों को भी नहीं चाहिए, आप यहाँ पे जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी देख लीजिए, जाके कॉलोनियों में देख लीजिए, गाँव में देख, वो भी उन्होंने खुदवा दिए। जो एक जल योजना लेके आए हैं, सारी सड़कें खोद खोद के पड़ी हुई हैं, खत्म हो गया बुलडोजर उल्टोजर, बाबा सिर्फ नाम के हैं, भ्रष्टाचारी सब बीजेपी में घुस जाते हैं। सरकार हिम्मत बंधवाने की होती, डरवाने की नहीं। और इनके पीले कलर का जो बुलडोजर है, पंजा खोल कर जो डरवाते हैं, उसका काम खत्म हो गया। 5 किलो राशन से पेट नहीं भरता है, ये दुनिया जानती है। आपके पास भी बच्चे होंगे तो आप भी जानते हैं कि एक औलाद के ऊपर 5 किलो राशन में कैसे आप एक महीने परवरिश करें। माँ बाप ने मेहनत की, गाढ़ी कमाई से हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा, बेरोजगार बनाया। क्या कहेंगे मैडम आप, आधी आबादी क्या सोचती है महिला शक्ति? आज आधी आबादी अपने को बिल्कुल हराश और निराश समझ रही है, क्योंकि जो वादे प्रधानमंत्री जी ने किए थे उसमें वो पूरे भी कहीं पे भी खरे नहीं उतरे हैं। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जब हजारों रुपए खर्चा करके लड़के लोग पेपर भरते हैं भर्ती के लिए कि हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो पेपर लीक हो जाता है और वो फिर बेरोजगार हो जाते हैं खड़े के खड़े। उनका साल बर्बाद हो रहा है, उनकी उम्र चली जा रही है, उनका परिवार उसके पीछे बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। इसके लिए हमारे राहुल गांधी जी आए हैं, जिन्होंने 5 साल में न्याय यात्रा निकाल करके पूरे देश का भ्रमण किया है और आज ये साबित कर दिया है कि वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं बनेंगे जो देश को संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी भागे हैं रायबरेली। राहुल गांधी भागे नहीं है, राहुल गांधी तो आज राहुल गांधी जो है, जिस आदमी को अमेठी में टिकट मिला है उसकी ईमानदारी, उसकी निष्ठा, उसकी धैर्यता, उसकी सहनशीलता, उसकी गंभीरता को टिकट मिला। केएल शर्मा परिवार के समर्पित व्यक्ति हैं। केएल शर्मा 6 लाख वोटों से जीतेंगे। राहुल गांधी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और उस परिवार के समर्पित व्यक्ति केएल शर्मा है। अगर हम कह रहे हैं कि रायबरेली की धरती एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी, यदि काले पहाड़ को स्याही मान ले, समुद्र को दावत मान ले, कल्प्र की शाखा को लेखनी मान ले, सारी पृथ्वी को कागज मान ले, तब भी गांधी परिवार ने जो रायबरेली में विकास किया उसका वर्णन नहीं कर। ये तो हिंदू मुसलमान भाजपा करती है। 10 साल में मोदी जी की सारी चीज लोग समझ चुके हैं कि झूठा सपना दिखाना, एक दूसरे का लड़ाना, बाकी बोलते हैं 140 खाता लेके निकले हैं आज की, आज जाएंगे राहुल गांधी के नामांकन में, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। एकदम 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 आप लोगों के लिए छाता लिए गए, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाए होंगे।
हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी जमानत जब्त हो रही है। अब की एक लाख पार नहीं होने देंगे हम लोग। रोजगार कांग्रेस रोजगार की बात नहीं करती, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दौर में। राहुल गांधी 4 लाख पार है। आपसे राहुल गांधी ने सीधा संवाद किया था, आपको अपनी गाड़ी पर बैठाया था और काफी वार्तालाप हुई थी। आज की तारीख में राहुल गांधी ने नामांकन कर दिया है। आपकी बातें भी जब आप कर रहे थे तो आप भाव विभोर हो गए थे, क्या कहेंगे आज राहुल गांधी का नामांकन हो गया? देखिए नामांकन हो गया है, राहुल गांधी के साथ क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे आप देख के आप अनुमान लगा सकते हैं। रही बात प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा की, तो सबसे बड़े झूठे हैं प्रधानमंत्री जी भी और योगी जी भी। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, हम उसके अभ्यर्थी हैं और 640 दिन से लखनऊ के इको गार्डन मरते रहे, लाठियां खाते रहे, भाजपा के कार्यालय में भाजपा नेताओं के यहाँ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ, सबके यहाँ, लेकिन इन्होंने आरक्षण जो घोटाला किया है उसको स्वीकार किया लेकिन हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी और कहते हैं कि हम आरक्षण की रक्षा करेंगे। भाजपा सरकार में आरक्षण की गांधी से मिले थे, मुझे याद है, वो फुटेज में याद कर पा रहा हूँ, तो आपने आपकी आंखें भर आई थी और आपसे राहुल गांधी ने क्या कहा था कि डरो मत, यही शब्द कहे थे, बबर शेर है तू। देखिए कितना बदलाव आया आप में जब वो राहुल गांधी से आपका संवाद हुआ। वो भावुक इसलिए हुए थे क्योंकि हम किसी जो हमारी सरकार मौजूदा सरकार उसके पास जाते हैं तो हमें लाठियां मिलती है, जासूतक गालियां मिलती है, लाज जूते मिलते हैं और उन्होंने हमको गले लगाया, इसलिए हम भावुक हो गए। ठीक है, उन्होंने मेरे दर्द को समझा इसलिए मैं भावुक हुआ, बाकी मैं डरता नहीं हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे जितनी तानाशाही कर ले, सही को मैं सही कहूंगा। इन्होंने चोरी की है, आरक्षण चोरी की है 69,000 शिक्षक भर्ती में और योगी जी ने माना भी है 69,000 शिक्षक भर्ती। जिस तरह से आपको हौसला दिया था उसका बहुत असर आपकी पर्सनैलिटी में हुआ है और आप जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी से सीधा वार्तालाप हुआ था, उनकी बातों ने बड़ा आपके दिल में घर बना लिया है। देखिए ये संघर्ष जो हमारा बहुत पुराना है, 4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, लिस्ट जब उन्होंने आरक्षण घोटाले को स्वीकार किया उसके बाद से 640 दिन वहाँ संघर्ष किया, तो ऐसा नहीं है, वो भावुक हम इसलिए हुए, मैंने बताया जो बात थी, मैंने बताया कि वहाँ हमको लाठियाँ मिलती थी लेकिन राहुल गांधी जी ने हमको गले लगाया। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 से, सिर्फ यहाँ से जीत तो हासिल करेंगे ही, आप कह रहे हैं 100% 4 जून को देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने आ रही है। देखिए भाजपा ने 400 पार का नारा बंद कर दिया है, अब नहीं कहीं पर नहीं सुनाई देता। क्या कहेंगे आप, युवा हैं, क्या सोचते हो? अरे हम लोग एग्जाम कब होगा? रोजगार है हम लोग और हम लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार की बात जो करेगा हम लोग उसे वोट देंगे क्योंकि हमारा पैसा खाया गया है। यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाली गई जिसमें 60 लाख फॉर्म पड़े, उसमें 200-250 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ जिसको वो लोग खा गए पैसे, और पैसा भी नहीं मिला हम लोगों को वापस, और कह रहे हैं कि 6 महीने में हम वैकेंसी कराएंगे, अभी कुछ क्लियर भी नहीं है। केवल ये लोग फालतू की बातें करते हैं, हम लोग परेशान हैं, हर जगह कोई वैकेंसी नहीं आती है, बहुत है, कोई भी वैकेंसी नहीं आती। जुमला अग्निवीर में 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर दिए, ये शुरुआत हो गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आर्मी में। मोदी जी की नीयत सही नहीं है इसलिए सारी नीति जो है गलत बन रही है, नीयत सही होनी चाहिए किसी भी काम के लिए। और आखिरी सवाल 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद ले जा रहा है, राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। देखा आपने किस तरह से रायबरेली की जनता मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है और एक सुर में यही कह रही है कि रायबरेली की धरती सिर्फ सांसद ही नहीं देती है बल्कि देश का प्रधानमंत्री भी देती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 रायबरेली।